हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज दुनिया इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे दीवानी हुई पड़ी है। यूं समझ लीजिए कि दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे तो मोबाइल और इंटरनेट पे ही गुजर जाते हैं। सब कुछ बस टच स्क्रीन पर आ गया है, लेकिन किसी भी चीज की अगर अति हो जाए तो अंजाम बुरा ही होता है। जुगल और राजेश दोनों चचेरे भाइयों का पैशन था ये मस्खरी भरे प्रैंक वीडियो बनाना, उन्हें इंटरनेट पे अपलोड करना। भाई तूने देखा अपनी वीडियोस में एक दिन में 2 लाख व्यूज हो गए। क्या बात कर रहा है, 2 लाख? सही यार, तो क्या इसके पैसे मिलेंगे? तो तुझे पता है 1 लाख व्यूज के 10,000 रूपए, और अगर एक वीडियो में एड चल गया ना तो एक एड का 10,000 रूपए अलग से। मतलब वो हम पे पैसों की बौछार होने वाली है। और देख अब ना अपने ऐसी वीडियोस का ना चैनल भी आने वाला है, बस देखती जा तू। पर यार वो जो रोड पर हुआ वो बहुत डेंजरस था। हा? कैसे? देख अगर पब्लिक को सच में पता चल जाता तो पिटाई पक्की थी। चल डरपोक की बिल्ली कुछ बोले जाए। अरे तुम छोड़ो, ये मेरा लास्ट वीडियो देखो। अरे भर भर के व्यूज आ रहे हैं, भर भर के, देख ले एक बार। ओए तू क्या ये तेरा मेरा लगा रखा है? सारी वीडियोस एक ही है, एक ही चैनल की, मुज्जर बॉयज। और तू ये अश्लील वीडियो शूट करना बंद कर दे, किसी दिन लंबे से जाएगा ये इस चक्कर में। हाँ भाई तू ना ये गंदी वीडियोस बनाना बंद कर दे, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो। अरे मेरी बावली गुड़िया तू ना बस अपनी बुद्धि बंद रखियो तो किसी को पता नहीं चलेगा। बच्चों नीचे आ जाओ, खाना रेडी है। क्या चल रहा भाई आजकल? वो कुछ नहीं था, वो बस पानी पीऊंगा। पानी पी ले। तब जी सल बीकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाना है तो सोचा था पापा से बोल के इंटरनेट कैफे खोल लूं। भाई बढ़िया दिमाग है, तो उसने भी दे दे, कैसा वेला घूमता रहता है ये? कौन वेला घूमता रहता है? कितनी बार कहा है दुकान पे बैठा कर। अरे मुझे ना बैठना उस मिठाई की दुकान पे, वहां बैठ के वो पनीर और खोया फेटूं, पता बदबू कितनी आती है। देख लो इसने दुकान से बदबू आती है तो क्या करेंगे भाई साहब आप? इसने देख ले शादी फिक्स हो गई है इसकी, लाखों का खर्चा होने वाला है। सोच रखा है क्या करना है, आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाना खा लो चुपचाप। तो हमने भी बता दे भाई क्या करने वाला है। अरे उसको खाने तो दीजिए। पापा ये दोनों ना वीडियोस बनाते हैं और उनसे ना बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और इतने सारे पैसे मिलते हैं कि आप पूरा साल ना मिठाई बेच के ना कमा सकते। ऐसे कौन से पैसे मिलते हैं भाई? पापा वीडियोस में ना ड्रामा होता है। सीमा तू तू दाल ले ले थोड़ी सी और चावल भी ले ले। कौन से वीडियो बनाते हैं हमने भी दिखा दो भाई कभी वीडियो। अरे यार आप जान के क्या करोगे? अरे बाप हूं तेरा, जानने का आग्रह रखता हूं। अरे मैंने आपसे पूछा आज तक क्या उसमें खोए में कितना मैदा मिलाते हो और वो हफ्ते पुराने लड्डू क्यों बेचते हो? अभी से बात कर, थप्पड़ मार देना तेरे। मैं काम करो, खाना भी खुद ही खा लो। दिमाग खराब कर रखा बिल्कुल एकदम। देखो से जब देखो दिमाग खराब, बाप से ऐसे बात कर रहा है ये? ओ भाई आ गया भाई देख। अरे तू ये देख यार 10,000 रुपए डिपॉजिट हुए मेरे अकाउंट पे, वो लास्ट टाइम वीडियो नहीं डाली थी उसी के। या तो गलत बात है भाई। कौन सी बात? यही कि वीडियो हम दोनों मिलके बनाते हैं और पैसे तेरे अकाउंट में क्यों? हम दोनों मिलके बनाते हैं मतलब? भाई इंटरनेट वालों को मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया है तो पैसे मेरे ही अकाउंट में आएंगे ना। ना ठीक बात है, तूने अकाउंट नंबर दिया है पर इसका तो जॉइंट अकाउंट होना चाहिए ना। अरे वीडियो तो हम दोनों मिलके बनाते हैं ना, इन पैसों पे ना अपना 50-50 का हिस्सा है, समझ गया? आइडिया मेरा, तूने सिर्फ कैमरा चलाया बस। तू एक काम कर, आइडिया तू सोच, कैमरा मैं चलाऊंगा, जितने पैसे आएंगे तू रख लेना, सिंपल। अरे आइडिया तो मेरे पास बहुत सारे हैं। अरे एक तो ना बहुत जोरदार है, जोरदार। हाँ बस देख लेना तेरे टाइप का ना हो।
मेरे टाइप का मतलब? तेरे टाइप का मतलब अश्लील वाला, जैसा तूने लास्ट टाइम अपलोड किया था और इंटरनेट वालों ने हटा दिया था, वार्निंग अलग से भेजी थी। भाई देख, अगर ऐसा कोई आइडिया है ना तो मन्ने नहीं देना तेरा साथ, सिंपल है। अरे नहीं नहीं मेरी जान, ऐसा तो कुछ भी ना होगा। दुनिया में अगर कोई चीज प्यार और दोस्ती को शिकस्त दे सकती है तो वो है महत्वाकांक्षा। दो चाय एक रस। साढ़े राजेश ने ना सबके सामने थप्पड़ मार के ना अच्छा नाक किया। ओ यार जुगलपरी, तुसी चाय पियो, गुस्सा थूक दो। तुझे पता है उसने ना जानबूझ के वीडियो नहीं बनने दी। वो कैसे? देख ये पार्क वाली वीडियो ना एकदम बढ़िया बनती। हाँ हाँ, हफ्ते भर में 10 लाख व्यूज आ जाते, दबा के चलती। बस इस हमारे ना उसकी सुलग गई, साले ने वीडियो नहीं पढ़ने दी। यार चलो तुसी तो ठंडे रहो। भाई एक रस दे यार। ओ जुगल भाई, वही वो कपल आ गया, हस्बैंड वाइफ। अतुल, हनीमून से तो आ गया पर हनीमून अभी खत्म कहाँ हुआ है? मतलब आज रात को बनेगा एक धमाकेदार वीडियो। हमारी फ्रेंड ने भेजी मारे को, बोली सारे सोशल मीडिया पर फैल गई है। हाँ भाई राजवीर, हाँ मालूम है मालूम है, पता कर किन्ने करी हरकत। वीडियो पर लिखा है मुजर बॉय। जुगल अपने इस हालिया वीडियो से खुश था, इंटरनेट पे हिट्स का अंबार लग रहा था। जुगल की नजरों में उसकी जीत और राजेश की हार हो रही थी। दोनों में इस वीडियो को लेकर बहस और झगड़े होने लगे थे। झगड़ा भाईचारे की सीमा पार कर रहा था, पर कोई और भी था जिसको इस वीडियो से बेहद सदमा, बेहद चोट लगी थी। चुप हो जाओ, मत रोवे अब। भाई साहब पुलिस कंप्लेन करिए आप, जिसने भी ऐसी गंदी घटिया हरकत की है ना उसे तो किसी भी कीमत पे सजा मिलनी ही चाहिए। सजा तो मैं दूंगा उसे, एक बार हत्या चढ़ जाए बस मेरे वो। हाँ भाई। भाई पता चल गया, विकासपुरी के लौंडे सुबह 7 बजे पार्क से निकलते। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम और कर दे मेरा, एक दो लौंडे इकट्ठा कर दे। राजेश भाई, हाँ? अगली वीडियो के लिए ना एक आइडिया है मेरे पास। क्या? मैं आपको बैठ के बताता हूँ, बड़ा अच्छा आइडिया है। हाँ वो बहुत यार सही है यार। एक दिन में 50,500 व्यूज, अब तो पैसा मैं कमाऊंगा, देख दो। हर टाइम मारता हूँ इसका। अरे बोल। हाँ जुगल भाई, यार वो वीडियो उतार दे नेट से अभी। क्यों उतारूं यार? चाकू लेके बंदे तेरे पीछे पे, तेनू मार देंगे। तू वीडियो उतारा भी के अभी। चाकू लेके बंदे? कौन से बंदे यार? इतने सवाल क्यों पूछ रहा, खून सवार है उनके ऊपर। तू वीडियो उतारा भी के अभी। और किसने बताई उनको कि वीडियो मैंने बनाई है? वो मैं और राजेश भाई जॉगिंग कर रहे थे पार्क में तो। अरे बस बस समझ गया मैं, ये सारी हरकत उस कमीट राजेश की है ना। अब देख मैं करता हूँ, तू फोन रख। तू यार जो क्या हुआ? फोन काट दिया उसने। तू फोन लगा, मैं बात करता हूँ, लगा फोन। उसी का फोन है। हेलो यार भाई, तुझे ही फोन लगा रहा था अभी। अरे किस बात का भाई, तू देख मैं क्या करूंगा, तू देख अब मैं क्या करूंगा। तू कल से जुगल का फोन बंद आ रहा है जी, मैं तो फोन कर करके परेशान हो गई हूँ। राजेश को फोन लगा के मैं भी थक गई हूँ। भाई साहब मैं तो कहती हूँ आप पुलिस स्टेशन में रपट लिखाई दो। अरे मैं कहता हूँ बेकारी परेशान हो रहे हो तुम लोग। अरे जवान बच्चे हैं, घूमते घूमते दिल्ली के बाहर चले गए होंगे, देखना शाम तक वापस आ जाएंगे। क्या उधर भी नहीं पहुंचे? अच्छा अच्छा ठीक है जी, ओके जी।
उन दोनों के सारे दोस्तों को फोन लगा करके देख लिया है मैंने, किसी को भी कुछ भी मालूम ही नहीं है जी। थैंक यू सो मच। के जरिए इंटरनेट पे चार लोग नजर में आ गए थे। चार लोग मिले सर, उनके अकाउंट में मुज्जर बॉयज का जिक्र है। इनके आईपी एड्रेस के जरिए हमने इनका लोकल एड्रेस निकाल लिया सर। बहुत बढ़िया, चारों को बुलाओ लाश की शिनाख्त के लिए। सर दोनों भाइयों ने साथ में बनाया था टट्टू। खूब सुनाया था मैंने दोनों को, क्या मनुष्य टट्टू बनाकर आया था मौत की निशानी। किसको पूछ के बनाया तुमने टट्टू है? अरे तो उसमें दिक्कत क्या है मम्मी, उसमें लिखा क्या है? मुज्जर, मुज्जर तो हमारा सर नेम है, क्यों भाई जुगल? हाँ क्या? टैटू ही तो है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे ये खोपड़ी का निशान से। तो क्या हुआ? इसका मतलब भी पता है तुमको? क्या मतलब होता है? मौत, मौत का निशान है ये। मौत बावला हंस क्या रहे हो? जाओ उसे जाके निकालो, भागो यहाँ से। अब नहीं निकल रहा मम्मी, अब तो बस एक ही टाइम पे निकलेगा ये। कब? हमारी मौत के टाइम। देख लो जी, बाप माँ की बात ना मानने का नतीजा क्या होता है। इंस्पेक्टर साहब, वो बॉडी। वो बॉडी? वो बॉडी जुगल की है जी। अरे ऐसे कैसे बोल सकती तू? हाँ जुगल की क्यों, राजेश की भी तो हो सकती है ना, राजेश की क्यों नहीं हो सकती? उसने भी तो टैटू बनवाया था ना तुम्हें। अरे ठीक है बैठ जा, लड़ाई ना कर बैठ। अरे लेकिन देखो तो सही, मैंने सिर्फ कहा कि मेरे बेटे की नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे बोल रही थी तू? हाँ अरे बस करो आप लोग भी। सर आप ही बोलो सर कि कैसे पता चलेगा किसकी बॉडी थी? मैं तो कह रहा था कि भगवान करे कि ना तो जुगल की बॉडी हो सर, ना ही राजेश की बॉडी हो। भगवान करे ऐसा ही हो सर। सर डीएनए टेस्ट करा ले। यादव जुगल और राजेश दोनों सगे चचेरे भाई हैं, तो डीएनए तो एक जैसा ही होगा। ऐसी हालत में ये पता लगाना कि कौन किसका बेटा है बहुत मुश्किल भी है और बहुत टाइम भी लेगा। हाँ लेकिन एक बात पता लगाई जा सकती है कि वो बॉडी आपके घर के बच्चे की है या फिर किसी तीसरे आदमी की। जनाब ये पीएम रिपोर्ट। यादव हत्या गला घोट कर की गई है और उसके बाद बॉडी को जलाया गया है शायद सबूत मिटाने के लिए। सर बॉडी पूरी तरह से जली नहीं है, हो सकता है पहचान मिटाने की कोशिश की गई हो। हो सकता है। मौत का समय दोपहर 3:40। सर ये मुज्जर बॉयज के इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस मिले। कुछ तो हंसी मजाक वाले वीडियो हैं, एक दो अश्लील वीडियो हैं, लेकिन ये वीडियो सर कुछ अजीब सा है। इसमें क्या अजीब है? सर ये एक मैरिड कपल के बेडरूम का वीडियो है जो बिना उनकी जानकारी के बनाया गया है। इसमें सैकड़ों हिट्स हैं, कुछ कमेंट्स। यादव हमें इस मुज्जर परिवार से भी बात करनी होगी, हो सकता है ये न्यूली मैरिड कपल उनके आस पड़ोस वाला ही कोई हो। जी हाल फिलहाल तो यहाँ हमारे आसपास किसी की कोई शादी ब्याह हुआ नहीं है जी। हमारे यहाँ सी ब्लॉक में भी किसी की शादी ना हुई से, पर आप क्यों पूछ रहे हो ये? इंटरनेट पर मुज्जर बॉयज के नाम से एक वीडियो अपलोड हुआ है, एक न्यूली मैरिड कपल का, अश्लील टाइप। आपके बेटे भी वीडियो बनाते हैं ना? जी हमारे छोरे। पापा वो जुगल ने बताया तो था आपको। क्या बता रहा था? नहीं वो राजेश ने। अब जरा आ रही है। क्या पूछना है साहब? बात करनी है खाली। आई खुल के सच सच बताओ क्या बोलना चाह रही थी। सर राजेश और जुगल हंसी मजाक वाली वीडियोस बनाते थे। सर जुगल कभी कभी वैसी वाली वीडियोस बना डालता था। सर बहुत बार समझाया था हमने उसे। हमने मतलब? मैंने और राजेश ने, पर जुगल था किसी की सुनता ही नहीं था। और तो ये अश्लील वीडियो शूट करना बंद कर दे, मैं बोल रहा हूँ किसी दिन ये फंसेगा इस चक्कर में। ये बेडरूम वाली वीडियो के बारे में मालूम था तुम्हें? नहीं सर, ये जुगल ने अभी रिसेंटली बनाई होगी। और सर गंदी वाली वीडियोस वो मुझे नहीं दिखाते। और ये वीडियो का खेल दोनों ही खेलते थे या और भी लोग थे साथ में? सर अतुल। अतुल वैसे उसका नाम अतिंदर है,
लेकिन सब लोग उसे अतुल ही बोलते हैं। वही इनकी शूटिंग में भी मदद करता है और एडिटिंग में भी। और रहता कहाँ है? सर वो बेडरूम वाली वीडियो के लिए हमने मना किया था जुगल को, पर ओदे सिर था पुत सवार सी। रामजस नाहर, इसी की वीडियो निकाली थी ना तुम लोगों ने? सर नाम तो पता नहीं मैनू, पर हाँ सर वो दो गली छोड़ के ही रहता है। उस दिन हम ढाबे पे परौंठे खा रहे थे तो वहीं पे वाइफ और हस्बैंड पर नजर पड़ी थी हमारी। फिर सर हाँ मैं थे वो राजेश जॉगिंग कर कहता तुमने वीडियो अपलोड किया। फिर सर हमने कहा हमने वीडियो को ही अपलोड नहीं किया, जुगल ने वीडियो बनाई उन्होंने अपलोड की थी। सर उसने चाकू दिखा। हाँ सर बस ये दो गली छोड़ के ही रहता है वो। यादव थाने लेकर आओ इस रामजस नाहर को। सर आप एक बात बताओ, अगर ऐसा वीडियो बनाकर कोई पब्लिक में दिखा देगा तो क्या करोगे? साहब मेरी घरवाली की तबीयत इतनी खराब हो गई है, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ मैं। तो मर्डर कर देगा? ये क्या कह रहे हैं सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। क्यों मिलने नहीं गया था पार्क में उन दोनों लड़कों से? हाँ सर गया था और चार रेपट भी मारे थे उनको, पर बस सर उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। और जुगल उसके पीछे पीछे भी तो गया था ना वो एड्रेस पर। उन कमीनों ने जो एड्रेस दिया था ना वो फर्जी था। सर आप एक बात बताओ, अगर आपके साथ कोई ऐसी घिनौनी हरकत करता तो क्या करते आप? मर्डर तो बिल्कुल नहीं करता, पुलिस में जाता, रिपोर्ट लिखाता और उन लड़कों के माँ बाप से मिलता। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। यादव इसको रिमांड पर लो, चार दिन पुलिस की हलवा पूरी खाएगा ना तो अपने आप बकना शुरू कर देगा। सर 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 ये गलत कर रहे हैं सर आप। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर जी बॉडी की पहचान तो हो ही नहीं रही। सर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो के चलते हत्या हुई और दोनों की हुई, एक की बॉडी मिल चुकी है और दूसरे की मिलनी बाकी है? यादव ये भी हो सकता है कि दोनों का आपस में कोई पंगा रहा हो, जैसा सीमा बता रही थी कि जुगल अश्लील वीडियो बनाता था और राजेश उसे मना करता था। हाँ सर आपसी रंजिश भी हो सकती है सर। पर ये वीडियो से लोग पैसे भी कमाते हैं तो हो सकता है पैसों को लेकर ही दोनों में कोई तकरार हुई है। लेकिन सर ये बात बताएगा कौन? वही जो जुगल और राजेश के साथ इस वीडियो के खेल में शामिल थे। सॉरी सर सॉरी मैं तो उन्हें दसना भूल गया, वो राजेश ने गलत एड्रेस दिया था जी रामजस का। वो है तो चचेरी भाई ना जुगल और राजेश, ते प्राणू प्रादी का फिकर होएगी। फिकर कर रहे थे कि एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे? सर कंपटीशन तो था ही, पर जुगल नु बड़ी खुंदक सी, वो जो उनकी वेबसाइट थी ना सर उस पे ज्यादा हिट्स आते थे राजेश की वीडियोस के, और सर बैंक अकाउंट भी राजेश का ही था तो सारे पैसे उसी के पास जाते थे। मतलब जितना भी पैसा आता था सब राजेश के खाते में आता था? जी सर। और सर वो जुगल की आदत थी, वो थोड़े दूसरे टाइप के वीडियोस बनाता था, ऐसी वीडियो बनाने के चक्कर में राजेश ने पब्लिक में उसको चपेड़ मार दी सर जुगल को। सर जुगल को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था सर, और वो बोला कि क्या बोला सर? जुगल ने बोला कि तू देख मैं क्या करूंगा, तू देख अब मैं क्या करूंगा तू। अतुल की बातों को सुनकर तो ऐसे ही लग रहा है कि जुगल ने ही राजेश को मार दिया और बाद में पहचान मिटाने के लिए बॉडी को जला दिया। सर जी हो सकता है उसने भी यही सोचा हो कि टैटू देख के पुलिस को लगेगा कि बॉडी जुगल की है। सर जी मुझे तो लगता है कि हत्या बदले के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए की गई है। नहीं यार, पैसे राजेश के खाते में आते थे और मरने के बाद भी अकाउंट तो राजेश के नाम पर ही है। ये हत्या पैसों के लिए नहीं बल्कि जलन और बेइज्जती का बदला लेने के लिए की गई है। और रही बात टैटू की, तो बॉडी जलाने का जुगल को क्या फायदा, क्योंकि टैटू तो उसके हाथ पर ही रह गया। निकालना है इसको, निकालने के लिए किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा आपको और लेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। सर जुगल का मोबाइल एक्टिव हो गया। लोकेशन शाहदरा। उठा लो। क्यों मारा राजेश को? बंदा नहीं मारा सर, पहले नहीं मारा भाई। तो फिर किसने मारा? पता नहीं किसने मारा सर। तेरा झगड़ा हुआ था ना राजेश से, उसको देख लेने की गई थी तूने? सबके सामने मुंह पे थप्पड़ मार दिया था मेरे, उसने गुस्सा आ गया था, इस मारी को बोल दिया था कि देख देख मैं अब की करूंगा। सर भाई ने बहुत फोन किए थे उस दिन मुझे, मैंने एक मिनट आया, फिर सर बाद में जाके ना पीछे से कॉल किया था,
तब मैं मिलने गया था उससे। भाई मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया था ना, ले मार 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 मार, तू भी मार ले मुझे। छोड़ यार। अरे भाई तुझे पता है यार, अश्लील वीडियो से मुझे नफरत है, और जिस बंदे की तूने वीडियो शूट किया था ना रूम पे, वो चाकू लेके आया था तुझे मारने के लिए। किसने बताया उनको कि वीडियो मैंने बनाई है, और एड्रेस किसने दिया? अरे तुझसे तो अच्छा ना दुश्मन होते हैं, समझ गया? भाई पे भरोसा नहीं है तुझे? यार मैंने नहीं बताया था तेरा नाम, अतुल ने बताया था, अतुल को चाकू मार रहा था वो, और एड्रेस, एड्रेस मैंने बताया था, लेकिन गलत एड्रेस बताया था। वो कभी तेरे घर नहीं आ पाएंगे भाई। सही कह रहे? अरे यार फिर मेरी जान। सॉरी भाई यार, सॉरी। और सुन, तूने पैसों के लिए बोला था ना, मैंने बैंक में रिक्वेस्ट डाल दी, अब से हम दोनों का अकाउंट आधा आधा, पैसे आधे आधे। बात कर रहे उस दिन दोपहर में ना, मैं राजेश से मिलने गया था उसके घर, भाई की एक गर्लफ्रेंड बनी थी इंटरनेट पे। सर फोटो दिखा, कौन है? दिखा दिखा जल्दी, कॉल कॉल ना। अरे यार देख ले, उसने गुलाब की फोटो लगा रखी है डीपी में। ये लड़के ना लड़की बन के बावड़े बनाते हैं पैसे आटने के लिए, समझ गया? चिंता मत कर मेरी जान, तेरा भाई तेरे साथ है ना, तो उसको बोल कि वीडियो चैट पे आए, और हम ढक देंगे तेरा मुंह, और उसके बाद ना अगर उसने भी मुंह ढक लिया ना, तो उसका मतलब भाई चोरी बहुत चला के। हाँ बोल दी। अरे तू जुगाड़ मना कर ले, रुक जा, देख देख देख, आराम से आराम से। हाँ यहाँ पे भी है ना, और मैं यहाँ ना दूसरा लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ, कर कर, और मैं साथ में दूसरी स्क्रीन पे देखूंगा। हाय, हाउ आर यू? फाइन। अच्छी लग रही हो। शट अप, ये सर पे लिफाफे जैसा क्या डाल रखा है? अब वो देखो, उतारो इसे, नहीं तो ना मैं चैट बंद कर रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा, उतारता हूँ उतारता। हाँ हैंडसम। थैंक यू। वैसे तुम भी अच्छी लग रही हो। अच्छा तुम भी हटाओ अपना ये दुपट्टा। ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? मिलेंगे तब। हाँ मिलते, कहाँ? अभी नहीं, अगले महीने मिलते हैं। अगले महीने नहीं, आज आज मिलते हैं। ठीक है, पर कहाँ? तुम बताओ। नहीं तुम बोलो। तो बुद्धा गार्डन मिलते, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं ना किसी फ्रेंड को लेके आऊंगी, ठीक है? तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, पर समझो ना, ऐसे पहली बार, तुम भी अपने किसी फ्रेंड को लेके आ जाओ ना। किसको? अरे वही जिसकी तुम हमेशा बातें करते रहते हो। जुगल? हाँ वही। अरे नहीं यार, वो कहाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर ना मुद्दा गार्डन मिलते हैं 2 बजे, ठीक है? बाय। अरे भाई मन्ना लग रहा है, तेरी त्रिखा रानी ना गोली देगी, गोली। अबे आएगी वो। और ना आई तो? ना आई तो ना आई, कौन सा बारात है जो रिश्तेदार रूठ जाएंगे। सुनना और मेरा दिल कहता है आएगी जरूर। अरे बावड़े, तू ना प्यार में पागल हो रहा है, कोई ना आता, समझ गया? देख ले मैं भी आई हूँ। चल ठीक है, तू कहाँ आई है? जा कोल्ड ड्रिंक लेके आ, गला सूख रहा है। ये जुगल है और ये राजेश, दोनों का काम अंदर खत्म होना चाहिए, कोई बच के ना जाए, एक बार याद रखियो, ठीक है? सुन, और पेट्रोल है तेरे पास? टंकी भरी हुई। फोन कर भाई का, इधर फिकर मत कर, काम हो जाएगा। कौन थे वो लोग? मुझे ना पता कौन थे। वो कौन सकते थे जिसकी बेडरूम की वीडियो निकाली थी? वो तो नहीं हो सकता है सर। वो भी हो सकते हैं सर, पहले भी बनाई थी ऐसी वीडियो। ये टैटू, ये क्यों निकाला? मैंने अखबार में पढ़ा कि मुहाना एक पार्क में डेड बॉडी मिली है। मैं समझ गया सर, कौन बंदों ने ना राजेश भाई को मार दिया। मम्मी ने भी कहा था कि वो टैटू मनहूस है, वो मौत का निशान। सर मेरे दिमाग में सीधा यही बात आई, इसकी वजह से मैंने राजेश भाई का नंबर लगाया, और अब मेरा नंबर लगने वाला है सर। ये मिटाया या जलाया? इसको मिटाने के लिए ना लेजर सर्जरी लगती है। ये टैटू लेजर सर्जरी से तो हट जाएगा, पर खर्चा आएगा इस पे करीब 3.5 लाख।
इतने पैसे मेरे पास कहां से आते? सीधा जड़ा दिया मनु स्टैटू सर। ये लड़की त्रिका जिसने पार्क में मिलने बुलाया था तुम लोगों को, कहां रहती है? इसके बारे में तो कुछ भी ना जानता सर मैं। उस दिन वीडियो कॉल में ना मुंह ढक के बैठी थी, मेन पिक्चर पे भी कुछ ना लगा रखा सर, सिर्फ एक गुलाब का फूल लगा रखा डिस्प्ले पिक्चर, पता ना कौन है। ना तो मैं भाई से बोलता वीडियो कॉल करने के लिए, और ना वो उस त्रिका से मिलने बुद्धा पार्क जाता। अरे पता तो करो कहा है। आने दो इंस्पेक्टर साहब ने। सर 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 मारा बेटा जुगल। जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती हमारी कस्टडी में रहेगा वो। पर क्या किया उसने इंस्पेक्टर साहब? यही पता लगाने के लिए तो कस्टडी में ले रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब। सर जी आपको लगता है जुगल सच बोल रहा है? अगर सच नहीं बोल रहा है तो बहुत ही सड़ी हुई कहानी सुना रहा है यादव। तो फिर सच क्या है सर? अब ये तो लड़की त्रिका ही बता सकती है। बड़ा अजीब सा संजोग है उसका और राजेश का पार्क में मिलना। सर जी आपको लगता है कि इसमें किसी की साजिश हो सकती है? कुछ कह नहीं सकते यादव, हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं इसलिए कि शायद ये मारने वाले इन लड़कों के पहले से पीछे लगे थे, और हाँ इसलिए कि शायद ये लड़की त्रिका इन मारने वालों से मिली हुई हो। अब त्रिका से मिलना है इस केस की गुत्थी को सुलझा सकता है। ऐसा करो राजेश का सोशल मीडिया अकाउंट फिर से चेक करो, अगर वो उसकी फ्रेंड लिस्ट में है तो त्रिका का प्रोफाइल और उसकी बाकी डिटेल्स भी होंगी। पता करो ये लड़की त्रिका है कौन। ओके सर। सर जी हाँ यादव, ये त्रिका राजेश के फ्रेंड लिस्ट में है ये लड़की सर। ये इसके प्रोफाइल पिक्चर में सर जुगल ने बताया कि शुरू से इसके प्रोफाइल पिक्चर में गुलाब का फूल है, बाकी कोई डिटेल दिया नहीं इस लड़की ने। और कुछ? सर हमारी आईटी टीम ने इनके मैसेजेस निकाले, ये देखिए सर, काफ़ी गहरी दोस्ती लगती है। और सर ये फ्रेंड रिक्वेस्ट राजेश की तरफ से नहीं, ये त्रिका की तरफ से आई। हाय, क्या हम पहले कभी मिले हैं? हो सकता है पिछले जन्म में। यादव अपनी तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और अभी ये जन्म जन्म की बातें, तेज तो है लड़की। आईपी एड्रेस से कोई पता ठिकाना? 8B नालंदा अपार्टमेंट राजौरी गार्डन। जी त्रिका। त्रिका? यहां तो कोई त्रिका नहीं रहती। आपकी बेटी? हाँ मेरी बेटी है, बट उसका नाम त्रिखा तो नहीं है। क्या नाम है उसका? विनी। बुलाइए उसे। जी विनी। विनी बेटा। हाँ माँ क्या हुआ? आओ तो एक बार। सर वो अकाउंट मेरा नहीं है, मैं तो विनी मलिक हूँ ना, त्रिखा नहीं। मम्मी के सामने बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो थाने ले चलते हैं। मैडम गाड़ी में बिठाइए ने, दो दिन हवा पानी बदलेगा तो सब बोलेंगे। चलो चलो। नहीं नहीं सर वो मैं ही त्रिखा हूँ। अब मैंने ही वो अकाउंट बनाया था क्योंकि नेट पे पता नहीं चलता ना कि कौन जेन्युइन है और कौन फर्जी, तो कभी कभी रियल फ्रेंड्स बनाने के लिए अनरियल बनना पड़ता है। राजेश को कैसे जानती हैं? हम नेट पे ही फ्रेंड्स बने थे। पर फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आपने भेजी थी उसे। जी पर फिर हम अच्छे दोस्त बन गए थे और फिर उसी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, तो हमने वो बुद्धा गार्डन में पहली बार 2 बजे मिलने का डिसाइड किया था। मैंने 1 घंटा वेट किया पर वो आया ही नहीं। पर उसका दोस्त तो बोल रहा था कि वो लोग तुम्हारा वहाँ वेट कर रहे थे और तुम नहीं आई थी। नहीं सर मैं तो 2 बजे पहुँच गई थी। हो सकता है वो किसी और एंट्रेंस पे हो क्योंकि बुद्धा गार्डन में तो 2-3 एंट्रेंस है ना। कौन से गेट पर थी आप? गेट नंबर 1 नहीं गेट नंबर 2। हाँ 2 पे। 1-3 बचा है वो भी बोल दीजिए। उसके बाद? फिर वो वेट करते करते 3 बज गए तो मैं वहाँ से चली गई। जब इतना वेट किया था तो फोन क्यों नहीं किया? वो तब तक नंबर एक्सचेंज नहीं किए थे हमने। 2 लोग जुगल और ये लड़की, दोनों का कहना है कि बुद्धा पार्क में गए तो थे लेकिन मिले नहीं। सर मैंने पता किया बुद्धा पार्क में कई सारे गेट हैं, हो सकता है अलग अलग गेट से दाखिल हुए। ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक कहानी बना रहा हो। आपका मतलब है ये लड़की उनसे मिली? हो तो ये भी सकता है यादव कि ये जुगल खुद हथियारों से मिला हुआ हो। कुछ तो है जो हमारी नजरों से मिस हो रहा है। इस माला का एक मोती तो गायब है।
मेहरोली और शाहदरा दोनों के बीच में जनाब साहब। हाँ भी दिनेश, क्या खबर? साहब वो विन्नी मलिक है ना, उसका एक मौसेरा भाई है नितेश मलिक, जुगल की बहन से उसका चक्कर चल रहा था। सीमा? हाँ साहब। फिर बाद में सीमा और नितेश का झगड़ा हो गया। और कुछ नहीं साहब। ठीक है जा, चाय नाश्ता करो। सलाम यादव, ये अलग ही खेल चल रहा है। सीमा का अफेयर चल रहा है नितेश के साथ और सीमा के कजिन का अफेयर चल रहा है नितेश के कजिन के साथ, कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं हो गया? सर लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है। ऐसे संयोग नहीं, साजिशें होती हैं। और सर जी सीमा ने भी बताया नहीं अफेयर के बारे में, वही तो पता लगाना है। सर विनी मलिक, मैं इसे नहीं जानती और राजेश और जुगल ने भी कभी इसका जिक्र भी नहीं किया। जिक्र तो आपने भी ना किया अपने और नितेश के अफेयर का। आपको भले ही ना लगे पर ये चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी सी हैं। सर शादी फिक्स हो गई है मेरी, मेरा और नितेश का अफेयर सिर्फ एक बैड लक था। इंटरनेट पे मुलाकात हुई, फिर दोस्ती, फिर मुलाकात हुई और आई लव यू भी बोला हमने। तो फिर मुश्किल कहाँ आ गई? सर जब मैं उससे मिली तो मुझे मालूम हुआ कि वो मेरे साथ फिजिकल होना चाहता था। जी सर। फिर ब्रेकअप कर लिया मैंने और मम्मी पापा ने फिर मेरी जल्दी से जल्दी सगाई करवा दी। एड्रेस तो होगा आपके पास उसका? त्रिखा त्रिखा नहीं विनी थी, विनी का राजेश से संबंध था और अब विनी के कजन नितेश का राजेश की चचेरी बहन यानी जुगल की सगी बहन सीमा से अफेयर था। सांप सीढ़ी का खेल बनता जा रहा था ये केस। नितेश इस केस का अगला संदिग्ध था। जी नितेश। जी वो अंदर है। आप कौन? मैं उनके पत्नी। सर सीमा तो मेरा रिश्ता, मेरी गलती थी सर, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। नेट पे चैटिंग करते करते उनसे मुलाकात हुई थी और मैं बह गया सर, बस मेरी गलती थी सर वो। लेकिन ये बात तो सर मैंने अपनी बीवी से भी बता दी थी और इनसे माफी भी मांग ली थी। तुम्हारी कजिन विन्नी मलिक, उसका अफेयर चल रहा है राजेश? जी मैंने सर इस बारे में तो कुछ नहीं बोला सर। ये तो पता होगा कि राजेश सीमा का कजिन है। हाँ सर ये बात जानता हूँ मैं। तो फिर मुलाकात भी हुई होगी राजेश से कभी? ना सर, सीमा ने जिक्र करा था उसका सर और उसके भाई जुगल का, मैं राजेश और जुगल से कभी मिला नहीं सर। ना सीमा से? उसके बाद सीमा से भी फिर ना मिला? नहीं सर, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ सर, वो मेरी एक गलती थी सर। यादव कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। क्या सर? फैमिली को सीमा के अफेयर के बारे में मालूम था, मतलब उसके भाइयों को भी मालूम रहा होगा, और वो लोग तो चुपना बैठेंगे। मुझे के मारे पूरे परिवार को पता था इस अफेयर के बारे में सर। जब नितेश और सीमा का ब्रेकअप हो गया था ना, तो सर इस नितेश ने ना सीमा का जीना आराम कर दिया था। 24 घंटे फोन पे फोन, जहाँ जहाँ सीमा जाती थी ना सर वहाँ पहुँच जाता था। तब जाके सीमा ने मुझे और राजेश के बताया इसके बारे में सर। और वीडियो उसका क्या किया? वो तो सर वेबसाइट पे अपलोड कर दी थी। अभी तो ना दिख रही तुम्हारी वेबसाइट पर। सर वो उस सीमा की सगाई के बाद हटा दी थी वहाँ से, पर से करीब एक महीना चली थी, करीब 1.5 लाख हिट थे उस पर। सर इस नितेश ने तो इस घटना के बारे में कुछ बोला ही नहीं। इतना ही नहीं याद हो, वो तो ये तक बोल गया कि राजेश और जुगल से कभी मिला ही नहीं। पर मुझे लगता है कि नितेश ने सीमा से ब्रेकअप या फिर इस मार पिटाई का बदला लिया है राजेश से। रेविनी भी शामिल है इसके साथ। सर इस नितेश को थाने बुलाकर अच्छे से पूछताछ करें? नहीं, उसके पहले बुद्धा पार्क के पास वाले मोबाइल टावर के रिकॉर्ड्स मंगवाओ। विनी और नितेश इस साजिश में शामिल हैं ये साबित करने से पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि उस दिन और उस वक्त बुद्धा पार्क में और कौन कौन मौजूद था, और कुछ लोग और भी थे वहाँ पर जिन्होंने उस हत्या को अंजाम दिया था। देखें कौन है, विनी, नितेश, जुगल या फिर रामजस, और इन लोगों का इससे क्या कनेक्शन। सारी कड़ियाँ जुड़ रही थी पर वो अहम सुराग जो हत्यारे पर नकेल कस सकता था अब भी पुलिस की नजरों से ओझल था। सर जी, हाँ यार, ये टावर डेटा रिकॉर्ड आ गया। कुछ मिला? एक नाम मिला है सर जी, नीता सक्सेना। ये नीता सक्सेना की मोबाइल लोकेशन भी उस दिन बुद्धा पार्क में ही थी सर। और सर विनी का मोबाइल और नीता सक्सेना का मोबाइल एक ही टाइम पे पार्क के अंदर गया और एक ही टाइम पे बाहर निकला।
और सर मैंने विनी का सोशल नेटवर्क अकाउंट चेक किया तो नीता सक्सेना उसके फ्रेंड लिस्ट में है सर। सर वो विनी लेकर गई थी मुझे बुद्धा पार्क, उसकी कोई ब्लाइंड डेट थी, वो अकेले नहीं जाना चाहती थी। चलो निकलो निकलो अभी तुम यहाँ से। राजेश्वर उसके कजिन आ गए हैं, पहुंच गए हैं। चलो तुम घर निकलो और हाँ किसी को इस बारे में जिक्र मत करना, समझे? और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। कोई नहीं, उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो नितेश बताएगा। सुनिए ना, जैसे सोशल मीडिया पर सब लड़की पटाते हैं, मैंने भी सीमा को पटाया सर, इसमें क्या गलत हो गया? मैं करूं तो मेरी कुटाई करेंगे और वो करे तो सर पैसे कमाएंगे। तेरी बहन ने सिर्फ राजेश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, क्यों? क्योंकि राजेश उस वीडियो में था और वही मेरी कुटाई कर रहा था सर। लेकिन वीडियो तो जुगल बना रहा था ना। विनी को मैंने बोला था कि जुगल को भी बुलाए और जुगल आ गया था सर, लेकिन वो कैसे करके बच के निकल गया सर, नहीं तो वो भी जाता। ए मोरा वो बैठ गया, चल जल्दी पकड़। ये इंटरनेट एक वर्चुअल वर्ल्ड है और वर्चुअल का मतलब होता है नकली, काल्पनिक। देख लिया अंजाम अपनी इस नकली दुनिया में रहने का? इस चक्कर में एक ने अपनी जान गंवाई और अब तू अपनी जिंदगी गंवाएगा, सड़प जेल में। नितेश और उसके सहयोगियों को राजेश की हत्या के आरोप में दिल्ली की एक सत्र अदालत ने सजा सुनाई। जिंदगी इंटरनेट और मोबाइल फोन्स की सरहदों से बहुत आगे जाती है, अपने जीवन को इन चीजों के संकीर्ण दायरों से बाहर निकालें और खुल के मानवीय मूल्यों के आधार पर जिएं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।